1895 का वक्त था जब 29 साल के वेल्स अपने नए कहानी का पर काम कर रहे थे। वे ऐसे युग में रह रहे थे जब पहला मोशन कैमरा का आविष्कार हुआ था और नवीनतम परिवहन एक साइकिल था। लेकिन वेल्स तो अपने कल्पना में लगे हुए थे कि कैसे वे दुनिया के विनाश के भविष्य चित्रों को कहानी में बदल सकें। उपन्यास का नाम था द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। इस उपन्यास में वेल्स लिखते हैं कि कैसे मंगल ग्रह से एलियंस पृथ्वी पर आकर एक नए प्रकार के सैन्य बल हीट रेज से मानव जीवन का विनाश करते हैं। हालांकि वेल्स के हीट रेज का विचार एक काल्पनिक फिक्शन था, लेकिन 19 साल के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने लेजर तकनीक के सैद्धांतिक आधार को पहचाना और आधुनिक युग में लेजर तकनीक हम हर जगह देख सकते हैं। पॉइंटर्स से लेकर डीवीडी प्लेयर्स तक, इंडस्ट्रियल से लेकर मेडिकल सर्जरी तक, यहाँ तक कि आधुनिक सैन्य बलों में भी लेजर तकनीक को और अधिक विकसित किया जा रहा है। सन 1898 में वेल्स अपने लेखन कार्य जारी रखते हुए अनेक प्रकार के उपन्यास लिखते रहे और 20वीं सदी के शुरुआत में वेल्स की अनेक कहानियों ने युद्ध की मैकेनाइज्ड क्रूरता को छूना शुरू कर दिया। वेल्स अपने उपन्यास द लैंड ऑफ आयरन क्लैड्स में टैंक जैसे सैन्य बलों का वर्णन करते हैं और द शेप ऑफ थिंग्स टू कम उपन्यास में हवाई युद्ध के बारे में लिखते हैं। कई तरीकों से वेल्स अपने उपन्यासों के जरिए प्रथम विश्व युद्ध के भविष्यवाणी का विस्तार वर्णन कर रहे थे। वेल्स के इन दो उपन्यासों के प्रकाशित होने के 6 वर्ष बाद प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया और उनकी कल्पनाएं वास्तव में सत्य साबित हो गई। अपने सभी साइंस फिक्शन उपन्यासों से अलग सन 1914 में वे अपने उपन्यास द वर्ल्ड सेट फ्री प्रकाशित करते हैं। द वर्ल्ड सेट फ्री में वेल्स एक ऐसे भौतिक वैज्ञानिक के बारे में लिखते हैं जो 1933 में एटम बॉम्ब के विचार के साथ आएगा। इस कहानी में वेल्स एक ऐसे सैन्य बल के बारे में लिखते हैं जो रेडियो एक्टिविटी से इंधित होती है और साथ ही यह भी लिखते हैं कि कैसे इसके प्रयोग से विश्व का विनाश हो सकता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु हथियार के प्रयोग में अभी भी बहुत समय बचा था। सन 1920 के समय वेल्स ने विनाश से अपना ध्यान हटाकर रचनात्मक तकनीक पर लगाया और सिनेमा में फिल्म बनाना शुरू कर दिया। 1927 में वेल्स द्वारा रचित एक साइंस फिक्शन फिल्म द फ्यूचर ऑफ मेट्रोपोलिस रिलीज किया गया जिसमें सिनेमा के दुनिया में बहुत नाम कमाया। और 1936 में वेल्स के उपन्यास द शेप ऑफ थिंग्स टू कम पर फिल्म बना जिसमें भविष्य वर्ष 1940 के एक हवाई युद्ध को दर्शाया गया। वेल्स के फिल्म द शेप ऑफ थिंग्स टू कम में दिखाए गए दृश्य वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध में सच साबित हो गए जब 1945 में अमेरिका वेल्स के ही रेडियो एक्टिविटी के सिद्धांत पर रचित एटम बॉम्ब जापान पर गिराता है। एचजी वेल्स विज्ञान को मानव के सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखते थे, लेकिन हमें चेतावनी भी देते थे कि हम इसका उपयोग बुद्धिमानी से करें। 13 अगस्त 1946 को 79 साल की उम्र में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स की मृत्यु हुई। वेल्स विज्ञानवादी कथाओं की एक समृद्ध विरासत पीछे छोड़ गए जो मानव जीवन को मनोरंजन और प्रेरणा देता रहेगा।